नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य के पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी की सुरक्षा हटा ली गई है। बुधवार सुबह वे बिना सुरक्षा कर्मी के देखे गए। गौरतलब है कि उन्हें सरकार की ओर से 3 हथियार बंद सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए थे, लेकिन आज सुबह वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं दिखे। दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तल बदल के संकेत मिलने के बाद शायद पार्टी नेतृत्व द्वारा यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर इंग्लिश बाजार के विधायक निहार रंजन घोषाल के घर हुए हमले व तोड़फोड़ की घटना को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत दर्ज मामले मद्देनजर यह कदम उठाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो पुलिस प्रशासन पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि कृष्णेंदु चौधरी लंबे समय से इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर थे। इसके साथ ही वे राज्य के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वे तृणमूल कांग्रेस के जिला चेयरमैन पद पर आसीन हैं। गौरतलब है कि मंगलवार दोपहर को एसपी आलोक राजौरिया ने चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले ही गैर जमानती धारा के तहत दर्ज मामले के आरोपियों की धरपकड़ की बात कही थी। जी हां, उसके 24 घंटे के भीतर मंत्री का सुरक्षा कर्मी हटाया जाना कुछ अलग संकेत देता है। बता दें कि इस बारे में पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने बताया है कि मंगलवार दोपहर को एक पार्टी कार्यक्रम के लिए वे निकले थे। उनके साथ 3 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी थे। अचानक इनमें से एक सुरक्षाकर्मी को फोन आया कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई है और वे सब वहां से निकल आए। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अचानक उनकी सुरक्षा क्यों हटा ली गई, इस बारे में वे कुछ नहीं जानते। टैकल करनी है कितना? टैकल चलाएं? नहीं जाओ। हाँ नहीं जाओ। इगला एक दिन का लेबर गुला का देखा है जो इगला भांगा गुला जगला अच्छा ना? सब तूलन है, गाइड है उसे ना। निरापत्ता रुक की तूलना हलो? আমি কালকে 3টা নিরাপত্তা রক্ষীকে নিয়ে ড্রাইভার আমি ছিলাম, গাড়ি নিয়ে 3 নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার একটা সিকিউরিটির কাছে ফোন এলো যে সিকিউরিটি ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে, চলে আসো। তো আমাকে বলো স্যার সিকিউরিটি ক্লোজ করে দিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওখান থেকে বাড়ি ফিরে মানে অফিস এলাম, অফিসে এসে সিকিউরিটিতে পাঠিয়ে দিলাম। এটাই কজন সিকিউরিটি ছিল? 3 জন ছিল। কখন থেকে আসতো ওরা? একটা তো জ্যোতিবাবুর আমল থেকে ছিল, তারপর বুদ্ধবাবুর আমলে বাড়িয়েছিল, তারপর আমি যখন মন্ত্রী হলাম তখন আরেকটু বাড়িয়েছিল। এই অবস্থায় অনেকে প্রমোশন হয়ে চলে গেছিল। নিয়ম তো হলো যদি কেউ প্রমোশন নেয়, কেউ মারা যায়, তার প্রোভাইড করতে হয় সিকিউরিটি। কখন থেকে আসতো সিকিউরিটিগুলো? আমাদের একদম আর্লি মর্নিংয়ে, সকাল থেকে। আজকে কোনো ছিল না? না আজকে ছিল না, সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে বেড়ায়, ডিএসএর কাজকর্ম খেলাধুলো এগুলো দেখি আমি, তো তখন থাকে ওরা। তারপর যদি আমি বাড়ি ঢুকে আবার পাঠিয়ে দিই, আবার ওরা সানটান করেছে, আমি যখন বেরোই আবার থাকে। কাউকে জানাননি যে সিকিউরিটি আপনার তুলে? আমি সব জায়গায় জানিয়ে দিচ্ছি।